सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेरिकल बॉडी का सेंटर होता है जिस स्फेरिकल बॉडी से हमने मिरर बनाया है, और कंकेव मिरर के लिए जो लेफ्ट साइड पे होता है और कन्वेक्स मिरर के लिए जो राइट साइड पे होता है। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर की। बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन मिलती जुलती है। जिस लाइन में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन किया उस स्फेरिकल बॉडी का सेंटर जिससे कि मिरर बनाया है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी स्फेरिकल बॉडी की रेडियस होती है जिससे हमने मिरर बनाया है। सिंपल। तो ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ये इसका सेंटर है, और आपको मालूम है सेंटर से लेके स्फेरिकल बॉडी की सरफेस तक, आउटर सरफेस तक जो हम लाइन ड्रा करते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द स्फेरिकल बॉडी फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस, इस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। उस स्फेरिकल बॉडी की रेडियस कहते हैं हम इस डिस्टेंस को, सेंटर से लेके आउटर सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है। अब इसी रेडियस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो कंकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रहेगी और कन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रहेगी, सेंटर से लेके आउटर सरफेस तक। तो डेफिनेशन क्या रहेगी? उसी स्फेरिकल बॉडी की रेडियस जिस स्फेरिकल बॉडी से हमने मिरर बनाया है उसे ही हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि इसे हम मेजर कर सकते हैं तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी हुई, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो मेजरेबल होती है, उसका एक यूनिट होता है, और इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी एक यूनिट रहता है। और ऐसा यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ROC स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज मीटर। जो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट रहता है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर का ऐसा यूनिट रहता है।